अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता कि फेसबुक पेज किस तरह से डिलीट करते हैं और कहां से डिलीट करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपनी फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, और फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप अपने फेसबुक पेज पर आ जाइए। तो यहाँ से मैं अपने फेसबुक पेज पर आ जाता हूँ, और जब आप अपने फेसबुक पेज पे आ जाते हो तो उसके बाद टॉप टू राइट पे यहाँ पर आपकी पेज की लोगो आपको शो हो जाएगी। तो इस पेज की लोगो पे टाइप कर लीजिए यहाँ पर टॉप टू राइट पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसे आप इस पे टाइप करोगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, और जैसे आप नीचे आ जाते हो तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी ये ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो सेटिंग पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज सेटिंग, तो इस पेज सेटिंग पर टाइप कर लीजिए, और इस पर टाइप करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाइए थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस एंड कंट्रोल, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद ये पहले नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिलीट पेज परमानेंटली, तो इस पर क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद कंटिन्यू पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपको रीज़न पूछ रहा है कि क्यों इस पेज को आप डिलीट करना चाहते हो, तो कोई भी रीज़न आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद भी कंटिन्यू के बटन पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लीजिए, और पासवर्ड डालने के बाद भी कंटिन्यू के बटन पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर टाइप कर लीजिए, तो आपका जो पेज है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डिलीट के बटन पर टाइप कर लीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं अपने अकाउंट पर वापस लॉगिन हो चुका हूँ, और मेरा जो पेज है वो परमानेंटली मेरे मोबाइल से डिलीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।